पूरे देश में कॉमनल वायलेंस के नाम पर बिल लाकर कांग्रेस सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है, फेडरल सिस्टम पर हमला करना चाहती है। वो जो राज्य हैं उनको अस्थिर करना चाहती है। जो कानून है उस पर तो सज़ा देते नहीं, और कानून पे कानून बनाएंगे सिर्फ वोट की लालच में। वोट की लालच में ये हार के डर से, जिस तरह से कांग्रेस सब जगह से हार रही है, अल्पों का भी विश्वास कांग्रेस से उठ गया है, तो जानबूझकर इस तरह का बिल लाकर सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटना चाहती है। सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बिल आना चाहिए, इससे जल्दबाजी का तो प्रश्न नहीं उठता है। और मेरी अपील सभी लोगों से होगी कि ये एक ऐसा बिल है जिसके लाने के बाद, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सांप्रदायिकता से कितने हम लोग पीड़ित हैं और सांप्रदायिक दंगों से कितना नुकसान मनुष्यों का भी और हमारे इलाके का और मन का जो भेद है उसमें जो दरार पड़ती जाती है उससे कितनी मुश्किलें होती है और बेवजह कितने लोग मारे जाते हैं सभी को पता है। इसलिए ऐसा बिल समय की आवश्यकता है। वो खुद बड़ा भारी कम्युनल बिल है, वो डिवाइसिव है, स्टेट और सेंटर के रिलेशंस को ख़राब करता है, एनक्रोचेस अपॉन देम, उन पर अतिक्रमण करता है। कम्युनल वायलेंस बिल सबसे अधिक कम्युनल बिल है, ये देश को बांटने की साजिश है। यूपीए सरकार के पास चूंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास के अभाव का जवाब नहीं है, इसलिए वो बांटने की कोशिश कर रही है। ये कैसा कानून है जो मानता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी राइट की विक्टिम नहीं हो सकती।